जाते क्रिश्चियनिटी की तरफ, ईसाइयत की तरफ, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट, अगर आप बाइबल पढ़िएगा, वो भविष्यवाणी करते हैं। मसीह, मैंने बोला कि मसीह का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जिसके बारे में प्रोफेसाइज, भविष्यवाणी किया हुआ है किताबों में। ये लिखता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, है कि नहीं? तो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर भविष्यवाणी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कहाँ कहाँ पर पेशन गोई, उर्दू वर्ड है, पेशन गोई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे किताबों में। तो ये बाइबल है, मैंने बोला ज्यूज में, यहूदियों में, यहूदियों का ये बाइबल है, पहला पांच बुक, उसमें लिखा हुआ बुक ऑफ डिटर्नमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में। फिर आते हैं क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में। तो अगर आप इस क्रिश्चियन का बाइबल पढ़िएगा, न्यू टेस्टमेंट, ये नया अहदनामा, इधर से वो लोग पढ़ते हैं, न्यू टेस्टमेंट उसको बोलते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16। तो उसमें जीसस क्राइस्ट कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं, आई विल प्रे टू द फादर एंड ही विल गिव टू यू अनदर कम्फर्टर, कि मैं खुदा से दुआ करूंगा और वो तुमको एक और सहायक देगा, कम्फर्टर देगा, एक और मददगार देगा। उसी तरह लिखा गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, हमारी एरिया में संथाली बहुत है, आपको पता है, जो कि क्रिश्चियन बन रहे हैं। संथाली जानते हैं आप लोग, संथाली किसको बोलते हैं? मैं, आपने किसी, कभी किसी संथाली से मुलाकात किया है? मिले होंगे, अगर नहीं मिले तो वो लोग पता नहीं 30 साल से ज़्यादा रह रहे झारखंड में, लेकिन वो लोग रहते हैं झारखंड में, वो लोग झारखंडी के। तो वो संथाली, उन संथालियों से बात करने के लिए मैंने स्पेशली इस लाइन को याद करके रखा है, क्योंकि वो संथाली जब मुझे मिलते हैं तो मुझे ईजी वे आउट है बताने के लिए, क्योंकि अगर कोई संथाली आपसे मिले और आप उसको बोलिए कि आर यू क्रिश्चियन, तुम क्रिश्चियन हो क्या, ही विल सस्पेक्ट, वो सोचेगा कि इतना दिन के बाद, और आपका ये रंग उसको और ज़्यादा सस्पेक्ट, शक में डालेगा कि ये इस तरह का शख्स मुझे क्यों आ रहा है, इतने साल से तुम लोग यहाँ हो और अभी अचानक से क्रिश्चियन हो तुम बता रहे। तो उस चीज़ को हटाने के लिए मैं उसको बोलता हूँ कि आप संथाली है, आपको संथाली आता है? मुझे नहीं आता, आई डोंट नो, मुझे नहीं आता, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, तो देखो मैं किस तरह पढ़ता हूँ। नो वन, मतलब मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो मुझे नो बोले यहाँ पर। हर संथाली को अच्छा लगता है कि उसका भाषा कोई सुनाए, जिस तरह हम लोग इंडियन है, अगर कोई अमेरिकन हमसे बोलेगा कि हमको हिंदी बोलना सीखना है, सुनो किस तरह हिंदी, तो हम लोग सुनेंगे। उसी तरह मैं उसको बोलता हूँ कि मैं संथाली सीख रहा हूँ, तो सुनो किस तरह। तो मैंने याद करके रखा इसी गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 7, उसमें लिखा हुआ, मेखा इन दो सैरियक इन इन लैपे काना इन इन कलक दो आपे लगे पोर है नांगे एनते बांसर मेखा इन से ले रहे आप ही दिन को लिए। एंड ही अंडरस्टूड, वो समझ गया मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ, वो समझ गया, और मैंने दावत भी कर दिया और उसको पता भी नहीं चला। सो सिंपल, सो ईजी, कितना आसान है दावत करना अगर आप करना चाहे तो। इसमें लिखा हुआ जीसस क्राइस्ट बोल रहे, नेवर द लेस आई टेल यू द ट्रूथ, ये सुन लो मैं तुमको सही बात बोल रहा हूँ, इट इज एक्सपीडियंट दैट आई गो अवे, ये अच्छा है कि मैं चले जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं जाऊँगा तो वो नहीं आएगा, कौन, सहायक नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं गया तो उसको तुम्हारे पास भेजूंगा, किसको, सहायक को, मददगार को। अगर आप क्रिश्चियन से पूछिएगा कि कौन है ये सहायक, ये मददगार कौन है जिसको आपके बाइबल में जीसस क्राइस्ट बोल रहे कि मैं जाऊँगा तो वो सहायक, तो वो बोलेंगे दिस इज होली घोस्ट, ये रूहुल कुद्दूस है, होली घोस्ट जिब्रील अलैहिस्सलाम, उसके बारे में वो बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ लेकिन रूहुल कुद्दूस तो उनके साथ थे, ही वॉज विथ हिम, है कि नहीं, वो उनके साथ मदद कर रहे थे उनकी। वह अय्यदनाहु, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते वह अय्यदनाहु बि रूहुल कुद्दूस, हमने उनकी मदद की रूहुल कुद्दूस से। और बाइबल में भी लिखा आई विद द स्पिरिट ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की रूह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ, गॉस्पेल इसमें लिखा हुआ मैथ्यू में। तो वो तो बोल रहे हैं कि मैं जाऊँगा नहीं तो आएंगा नहीं, मतलब उनका जाना पड़ेगा, और रूहुल कुद्दूस तो उनके साथ था, तो ये किसी और के बारे में बात हो रहा, किसके बारे में बात हो रहा उसको बताओ। उसके आगे फिर से लिखा है इसी के बारे में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12, 13, 14, उसी 7 को मैंने पढ़ा उस संथाली के सामने, और 12, 13, 14 में लिखा हुआ है, आई हैव येट मेनी थिंग्स टू से अनटू यू, जीसस क्राइस्ट बोल रहे कि मुझको अभी तुमको बहुत सारी बातें बोलनी है लेकिन तुम सुन नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाउ बिट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ विल कम ही विल गाइड यू अनटू ऑल ट्रूथ, लेकिन जब वो आएगा सच्चाई का आत्मा आएगा तो तुमको सारी सच्ची बातें बताएगा। लेकिन जब ये वर्ड आता है सच्चाई का आत्मा, तो वो लोग फौरन समझने लगते हैं कि कोई आत्मा आएगा और उनको सारी सच्ची बातें बताएगा। लेकिन मैं अपने दुकान में बैठा हुआ था एक दिन, और एक शख्स, एक लड़का आता है, उसका टी शर्ट में लिखा रहता है आई एम अ फ्री स्पिरिट ऑन द रोड, मैं एक आत्मा हूँ रोड पे,
इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा उड़ रहा है, ही इज फ्रॉम अलादीन का चिराग से निकल के आया, वो उड़ रहा है। इसका मतलब है वो एक फ्री आदमी है, ही इज अ फ्री मैन ऑन द रोड, रोड में एक फ्री इंसान है वो। और ये चीज हम लोग इंडियन को समझने में बहुत आसान होगा, क्योंकि हम लोग को जानते हैं राष्ट्रपिता के बारे में, माता बहुत सुना होगा, पिता भी हम लोग के एक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नाम सुना है महात्मा गांधी, उसको हम लोग बोलते हैं महात्मा, मतलब महान आत्मा, महान आत्मा। इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा थे, इसका मतलब वो इंसान थे, महान इंसान थे। उसी तरह बाइबल में लिखा हुआ कि जब वो आएगा, सच्चाई का आत्मा आएगा, मतलब सच्चाई बोलने वाला इंसान आएगा, तो तुमको सारी सच्ची बातें बताएगा, क्योंकि वो खुद नहीं बोलेगा, जो सुनेगा वो कहेगा, और वो मेरी महिमा करेगा, वो मेरी बड़ाई करेगा। और हम वी आई एम आस्किंग, जो भी मैं क्रिश्चियन से मिलता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि वो कौन है जो आया, जो कि सारी सच्ची बातें बताया पूरी दुनिया को, और जिसने उनकी तारीफ की। जो कुरान में 25 बार ईसा का नाम आया, 2500%, मतलब 500% ज़्यादा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ओनली 5 times। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 5 बार है, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 25 times, 500% ज़्यादा है कुरान में। तो वो कह रहे हैं कि जब वो आएगा, तुमको सारी सच्ची बातें बताएगा, वो अपने से नहीं कहेगा, जो सुनेगा वो कहेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नजम में चैप्टर नंबर 53 वर्स नंबर 3-5 में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा। ये नबी सरसम अपने से कुछ नहीं कहते, जो वही की जाती, जो सुनते हैं वही कहते हैं। एग्जैक्ट उस लाइन को मुझे फिट भी करना नहीं पड़ा, जो जो बात वहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्ट भविष्यवाणी जो की है वो फिट कर रहा नबी सरसम पर। तो ये हो गया ईसाइत में, क्रिश्चियनिटी में। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें, ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।